देवउठनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्य स्वमेव प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, सगाई, लगन, पूजा को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे ही देव उठनी एकादशी प्रबोधनार्थ भगवान जो है चौमासा के बाद जागृत होते हैं, तो उसके बाद से समस्त शुभ कार्य स्वमेव प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें से विवाह, सगाई, लग्न पूजा, गृह प्रवेश इत्यादि इत्यादि है। चौमासा के इन चार महीनों में इन समस्त कार्यों को वर्जित किया जाता है। चूँकि जैसे ही देवउठनी एकादशी होती है तो भगवान विष्णु जी का शालग्राम शिला के साथ में माँ तुलसी के साथ में विवाह किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि अपने घर के बच्चों की भी विवाह उसी दिन रखते हैं और करते भी हैं। तो उसके बाद से पंचांगकर्ताओं के अनुसार जो जो शुभ मुहूर्त रेखा अनुसार लग्न अनुसार यदि निकलती है तो हमारे पंचांग में दिया रहता है। इस बार नवम्बर में 3 मुहूर्त बताया गया है, 20, 30 और 31, और उसी तरह दिसंबर के महीने में भी पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में मुहूर्त है, जिसमें से 4, 7, 8 ये मुहूर्त जो है दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा बताया गया है। उसके बाद से जैसे ही धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, तो गुरु ग्रह की धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होते ही खर मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि मकर संक्रांति तक चलता है। मकर राशि में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा तो फिर से यह विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ये खर मास जो 1 महीने का रहता है उसमें विवाह नहीं किया जाता। केवल अभी नवंबर में 3 और दिसंबर में 3 मुहूर्त ही अभी शेष है, जिसमें विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं।